एमएस इलेक्ट्रिशियन रिपेयर में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, ए चार्जेबल एलईडी बल्ब है जो कि देख सकते हैं। इसको दोस्तों ये होल्डर में लगा के छोड़ देने के बाद भी ये अपने ऑटोमेटिक चार्ज होता है और लाइन कटने के बाद ऑटोमेटिक अपने आप जलने लगता है, जो कि इसमें एक्चुअली ये प्रॉब्लम है दोस्तों। चूँकि ये देख रहे हैं 1W 22 ओम का रेजिस्टेंस है, चूँकि ये जलने के बाद मैंने इसको चेंज किया तो ये एलईडी बल्ब है जो कि हाफ शॉटिंग बता रहा है। जो है मेरा एलईडी बल्ब है, जो इसका किट है, ये अब मेरे हॉफ शॉटिंग बता रहा है। देख सकते हैं ये मेरा सीरीज बल्ब है क्योंकि ये कनेक्शन छोड़ दिया है। मैं अभी इसको कनेक्शन को जोड़ देता हूँ, जोड़ने के बाद मैं बताता हूँ। देख रहे हैं दोस्तों, ये कनेक्शन जोड़ने के बाद मैं अभी आपको सीरीज अब दिखा दे रहा हूँ, जो कि ये मेरा देख रहे हैं, ये मेरा जो सीरीज तार है जो कि इसमें मैं सप्लाई देता हूँ। इसके बाद ये देख रहे हैं, ये टच कर रहा हूँ तो मेरा ये सीरीज बल्ब है जलने लग रहा है, जो कि अभी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे टच किया, देख रहे हैं मेरा ये एलईडी जल, ये तो एलईडी जल रहा है। इसके बाद ये जो मेरा सीरीज बल्ब है ये भी जल रहा है। अभी देखना दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों ये दोनों जल रहा है। इस एलईडी को उधर करते हैं, देख रहे दोस्तों ये जो मेरा बल्ब है, ये मेरा बल्ब इसको नहीं जलना चाहिए। जब ये एलईडी जल रहा है तो मेरा ये सीरीज बल्ब जो 100 वाट का है इसे नहीं जलना चाहिए। दोस्तों ये कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है जो कि अभी इस वीडियो में हम बताएंगे, और ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है वो भी बताएंगे, और ये कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी वो भी बताएंगे। जो वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि देख रहे हैं दोस्तों इसमें ये 220 वोल्टेज जो कि एक बी रेक्टिफायर डायोड लगा रहता है, उसके माध्यम से जो एसी है वोल्टेज उसे डीसी में कन्वर्ट करके इस सप्लाई को आगे भेजता है, जो कि कैपेसिटर के माध्यम से आगे जाता है। जो कि देख रहे हैं दोस्तों ये बी रेक्टिफायर डायोड है, जो कि ये भी रेक्टिफायर डायोड है, जो ज़्यादातर दोस्तों ये पूरा फुल शॉट नहीं होते हैं, ये ज़्यादातर ए हाफ शॉट होते हैं, मतलब ये फुल शॉट होते हैं। दिक्कतें ज़्यादातर इसी से आती है दोस्तों, क्योंकि अभी हम आपको ये देख रहे हैं एक मेरा कंपास मीटर है जो कि अभी इससे हम आपको चेक करके दिखाएंगे। देख रहे हैं दोस्तों, दोस्तों एक साइड से एसी गुजरता है तो एक साइड से ये डीसी निकलता है। इसमें दोस्तों प्योर डीसी नहीं निकलता है, जो कि इसमें इधर छुएंगे तो वो आपको करंट लगेगा, पर करंट लगेगा पर ये थोड़ा सा हल्का सा डीसी चेंज करके देता है, जो कि देख रहे हैं दोस्तों इधर प्लस साइड है और इधर माइनस साइड है। देख रहे हैं ये कंपास मीटर है, यहाँ पे देख रहे हैं ये यहाँ पे ऐसे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं जो डीसी में एक साइड वायर हमने डीसी साइड में रखा है और एक साइड एसी साइड में रखा है। देख रहे हैं इधर बता रहा है, इस पे भी बता रहा है, यहाँ से इसमें भी बता रहा है, इसमें नहीं बता रहा है, बता रहा है हल्का सा बता रहा है दोस्तों, जो कि ये मेरा जो है बी रेक्टिफायर डायोड, ये मेरा बी रेक्टिफायर हॉफ शॉटिंग हो गया है। मतलब चार डायोड होते हैं तो दोस्तों उसमें से कोई एक डायोड शॉर्ट हो गया तो आपको सीरीज बल्ब उसमें बताएगा और मेरा सप्लाई भी अंदर जाएगा। जो कि ये पहले इस डायोड को मैं निकालता हूँ, अभी मैं डायोड को निकाल के मैं आगे बता रहा हूँ दोस्तों। देख रहे दोस्तों आसानी पूर्वक से हमने बी रेक्टिफायर डायोड को निकाल लिया है। फिर से हम दोस्तों हम मीटर से चेक कर लेंगे, ये पीसीबी में लगा था तो बता रहा था कि नहीं बता रहा था, जो कि पीस पीस के निकालने के बाद बाहर इसको फिर से चेक करेंगे कि प्रॉपर मेरा डायोड शॉर्ट है कि नहीं शॉर्ट है। देख रहे हैं दोस्तों मैंने एक साइड एक पॉइंट रखा, मीटर से नहीं बता रहा है। देख रहे हैं दोस्तों एक साइड से मेरा ये डायोड बता रहा है, क्योंकि हम इस साइड से चेक करते हैं नहीं बता रहा है, इस साइड में बता रहा है, इस साइड में नहीं बताना चाहिए दोस्तों। और इस साइड में चेक करते हैं, चूंकि ये मेरा डायोड शॉर्ट है मैं दूसरा डायोड इसमें डालूंगा, चूंकि दूसरा डायोड निकाल देता हूँ, डायोड इस डायोड को हटा देता हूँ। देख रहे हैं दोस्तों ये दूसरा डायोड है रेक्टिफायर डायोड, जो कि पहले से हमने सही था तो मैंने निकाल के रख लिया है, जो कि इसमें भी देख लेना दोस्तों प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस सही से देख के लगाना,
उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। पहले इस जगह को मैं साफ कर देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, हमने बढ़िया से इस डायबेट को मैंने बढ़िया से सोल्ड कर दिया। देख रहे हैं दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सोल्ड कर दिया। क्योंकि अभी अब फिर से हम इसको चेक करते हैं, देखते हैं, जो कि इसको हटाते हैं। ये मेरा सीरीज बल्ब से हम चेक करेंगे। देख रहे हैं, ये मेरा सीरीज बल्ब है। अब इसको हम अपनी वायर की मदद से इसको हम चेक करते हैं। मेरा सीरीज बल्ब है, मैंने यहाँ से इसको प्लग लगाया। इसके बाद यहाँ से देख रहे, देख रहे हैं दोस्तों, या अब वैसे बल्ब नहीं जल रहा है। देख रहे हैं, जो पहले जल रहा था अब वैसे नहीं जल रहा है, देख सकते हैं। वैसे हमारा ये बल्ब नहीं जल रहा है दोस्तों। ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया, जो कि बी रेक्टिफायर दोस्तों ये हॉप शॉर्टिंग हो गया था, जिसके कारण ये जो डायोड है हॉप शॉर्टिंग हो गया था, जिसके कारण ये मेरा बल्ब जल रहा है, मेरा बल्ब पैकिंग हो गया और सही ढंग से हो गया। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। थैंक यू दोस्तों।